राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को सूबे की आवाम के साथ साथ देश की जनता भी बहुत प्यार करती है, इस बात की खबर तब हुई जब उन्होंने पहली बार में ही टोंक से विधानसभा चुनाव जीत लिया। इसके बाद तो उनके चाहने वालों के साथ साथ समर्थकों का प्यार भी उमड़ पड़ा और सबकी उम्मीदें इस बात को लेकर थी कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, मगर डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। तो वहीं अब सचिन पायलट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिनसे उनके चाहने वालों में जश्न की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनने के बाद नए साल में बंगला अलॉट कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, सचिन पायलट को सिविल लाइन्स में बंगला नंबर 11 आवंटित किया गया है, तो वहीं उनके साथ साथ 9 मंत्रियों को भी बंगला आवंटित कर दिया गया है। बताते चले आपको, सचिन पायलट ने साल 2013 के बाद राजस्थान में कांग्रेस के लिए जी जान से काम किया, जिसका नतीजा ये है कि वो सूबे के डिप्टी सीएम पद पर काबिज हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।